अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के बहाने रिहा करवाने की कोशिश के खिलाफ ईडी ने हलफनामा दाखिल करके एक तरह से पानी फेर दिया। ईडी के इस कदम से आम आदमी पार्टी बुरी तरह से बौखला गई और उसने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में औपचारिक शिकायत दर्ज कराते हुए ईडी के हलफनामे को कानूनी प्रक्रियाओं की अवहेलना बताया। केजरीवाल की कानूनी टीम ने कहा कि उस समय हलफनामा दाखिल करना गलत है जबकि केजरीवाल के अंतरिम जमानत पर अंतिम फैसले की तारीख पहले से तय है। आम आदमी पार्टी की इस बौखलाहट के पीछे असल में ईडी का हलफनामा वो है जो केजरीवाल की रिहाई में सबसे बड़ी बाधा बन सकता है। ईडी ने अपने हलफनामे में वे सारे सवाल उठाए हैं जिसका जवाब दिए बगैर केजरीवाल को अंतरिम जमानत नहीं दी जा सकती। ईडी ने अपने हलफनामे में कहा कि चुनाव में प्रचार करने का अधिकार न तो मौलिक है और न ही संवैधानिक। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक नए हलफनामे में ईडी ने कहा कि किसी भी राजनीतिक नेता को चुनाव प्रचार के लिए कभी भी अंतरिम जमानत नहीं दी गई है, भले ही वो चुनाव न लड़ रहा हो। सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने कहा कि ये ध्यान रखना प्रासंगिक है, चुनाव प्रचार करने का अधिकार न तो मौलिक अधिकार है, न ही संवैधानिक अधिकार और न ही कानूनी अधिकार। एजेंसी ने कहा कि उसकी जानकारी के अनुसार किसी भी राजनीतिक नेता को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत नहीं दी गई, भले ही वो चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार न हो। यहाँ तक कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को भी अंतरिम जमानत नहीं दी जाती है अगर वह अपने चुनाव प्रचार के लिए हिरासत में है। ईडी ने अपने हलफनामे में कहा कि पिछले 5 साल में देश भर में कुल 123 चुनाव हुए, अगर चुनाव प्रचार के आधार पर नेताओं को जमानत दी जाने लगी तो ना तो कभी किसी नेता को गिरफ्तार ही किया जा सकेगा और न ही उसे न्यायिक हिरासत में ही भेजा जा सकेगा, क्योंकि देश में हमेशा कोई न कोई चुनाव होता ही रहता है। राजनेताओं ने न्यायिक हिरासत में चुनाव भी लड़ा और कुछ ने तो जीत भी हासिल की, लेकिन उन्हें इस आधार पर कभी अंतरिम जमानत नहीं दी गई। जांच एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि अंतरिम जमानत से एक मिसाल कायम होगी जिससे सभी आरोपी राजनेताओं को चुनाव की आड़ में अपराध करने और जांच से बचने का मौका मिलेगा। ईडी ने कहा कि किसी भी राजनेता को आम आदमी से अधिक अधिकार नहीं मिल सकते। पीएमएलए के तहत नेता जेल में हैं, वो सभी इसी कारण अंतरिम जमानत मांगने लगेंगे। एजेंसी ने यह भी कहा कि वोट देना अधिकार होता है लेकिन न्यायिक हिरासत में वोट देने तक का अधिकार नहीं होता। इस मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ ईडी ने इन्हीं बातों से आम आदमी पार्टी में हड़कंप मचा है। केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर ईडी की आपत्ति पर सवाल उठाते हुए आम आदमी पार्टी ने कहा कि ये सर्वविदित है कि कथित शराब घोटाला में ईडी द्वारा 2 साल की जांच के बाद भी किसी के खिलाफ 1 रुपए का सबूत नहीं मिला है। मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी भी दूसरे आरोपियों के बयानों पर आधारित है। मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी, शरत रेड्डी, सत्य विजय नाइक और एक अन्य भाजपा के करीबी का बयान उसमें शामिल है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि ईडी ने पूरी तरह से गवाह बने इन आरोपियों को बयानों पर भरोसा किया जिसका सीधा भाजपा से संबंध है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।